हरिद्वार में जयराम आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा शामिल हुए। उन्होंने महाराज ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी को अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कहा कि ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने देश भर में कई आश्रमों का निर्माण करवाया है, कई अन्य क्षेत्र चलवाए जो हमारे हरियाणा का गौरव है। उनके जन्मदिन के मौके पर हम हरियाणा से शुभकामनाएं और बधाई देने आए हैं। देश में बढ़ रही लगातार महंगाई पर कुलदीप शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि पेट्रोल के दाम प्रधानमंत्री की उम्र के साथ बढ़ रहे हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है और वो क्या कर रहे हैं। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि महाराज श्री का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ये मंगल कामनाएं हैं। वहीं ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि उन्होंने आज अपने जन्मोत्सव पर संकल्प लिया है कि उनके पूज्य पाद गुरु देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने जो उन्हें सेवा कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी थी, अब उनके जीवन में जितने बसंत बाकी हैं वो अपना पूरा जीवन सेवा कार्यों में लगाते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, इनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो और इनका यूं ही हमारे को आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि इनका सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। जब मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ था गंगा में, तो रात को 2 बजे यही लेके आए थे। तो इस आश्रम से मेरे को विशेष स्नेह है, यहाँ मैं 2-3 दिन रहा उस समय और मेरे एक कजन तो मिले ही नहीं, लेकिन उनके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हुआ और मेरे को लोगों की सेवा करने का मौका मिला। आज माननीय ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी का, जिन्होंने इतने विशाल आश्रमों का निर्माण किया, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया, अन्य क्षेत्र का निर्माण किया, जो हरिद्वार ही नहीं हमारे लिए, हरियाणा वासियों के लिए हरियाणा का गौरव है, आज उनका जन्मोत्सव है, उसके लिए हम हरियाणा से, मैं कुलदीप शर्मा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए और उनके जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए। कि मेरे पूज्य पाद गुरुदेव श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने मुझे 1986 में दीक्षा दी थी, उस समय यही कहा था कि बेटे पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित रहना है। मैं अपने ट्रस्टी श्री रामलाल गोयल जी, संजय सिंगला जी आदि सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, इनके सामने आज चर्चा थी कि महाराज श्री जितने बसंत गुजर गए समाज की सेवा में, हमें ये कोशिश हमारी अब रहेगी कि जितने बसंत बाकी हैं वो भी समाज की निस्वार्थ सेवा करने में हमें व्यतीत करने हैं। आज मेरा जन्मदिन पुणे समाज की सेवा के लिए समर्पित है। संस्था जहाँ शिक्षा, चिकित्सा और अन्य। तो बुलेटिन में वक्त है।